जी आ गया वो शाहकार जिसका था बड़ी देर से इंतजार। ठीक है, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर पेपर पैटर्न एंड साथ आपको मिलेंगे गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। इंग्लिश में हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स की सप्ली से भरमार है, इंग्लिश में सप्ली से भरमार है। किसकी इसकी सप्ली? सज्जाद की सप्ली। किसकी सप्ली? फैसल की सप्ली। किसकी सप्ली? फाहद की सप्ली। किसकी सप्ली? महनूर की सप्ली। किसकी सप्ली? मरियम की सप्ली। किसकी सप्ली? हीरा की सप्ली। किसकी सप्ली? एमन की सप्ली। किसकी सप्ली? फैसल की सप्ली। किसकी सप्ली? अली की सप्ली। किसकी सप्ली? उमर की सप्ली। किसकी सप्ली? उस्मान की सप्ली। अब इस वीडियो के बाद आपको इस चीज का चैलेंज है कि आपके पास एक भी स्टूडेंट की सप्ली इंग्लिश में नहीं आएगी। ये चैलेंज है इस वीडियो को। आपने बस सारे काम छोड़ के बस आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरी अटेंशन के साथ सुनना है। इससे पहले अगर आपको कोई जरूरी काम है तो पहले वो करें, देन आगे आप मेरी इस वीडियो को रिलैक्स होकर देख लें। इसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बातें बताएंगे, लेसन्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगवाऊंगा, प्लेस के निशान लगवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के निशान लगवाऊंगा, इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, इंपॉर्टेंट पंचुएशंस हैं, इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, सारी डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ ठीक है, ये टाइम मेरी मुझे लगता है ठीक लग रही है आज, मुझे ठीक हो गया। जी जी, थैंक यू। जी जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की, फिर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को आपने कहां से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे नहीं करना, कहां से नहीं करना, कब करना है और क्यों करना है, इसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव, अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये ऑब्जेक्टिव आया कहां से है। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल मैथ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका है वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे उसी के साथ बेल आइकन शो होगा, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इसका मतलब यह है कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। यार YouTube पर अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो हमारी वेबसाइट मैथ की दुनिया को लाजमी विजिट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आता तो बुक से है लेकिन जब वो पेपर देखते हैं तो उनको यही नहीं पता होता ये आया कहां से है, क्योंकि सारी साल उन्होंने तैयारी की नहीं होती। तो अब पढ़ने के दिन आ गए हैं, अब टाइम वेस्टिंग के दिन नहीं है, अब आपने दिल लगाकर पढ़ना है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव के टोटल आपके पास ए बी सी तीन पोर्शन है। कौन से पोर्शन है? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। सबसे पहला वर्ड जो पोर्शन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, अल्फाज मुतरादिफ इसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है, मिलते जुलते अल्फाज सिनोनिम्स कितने आएंगे? 10 मार्क्स के आएंगे आपके पास। ठीक है, इसके बाद चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ करेक्ट वर्ड फ्रॉम बुक वन एंड बुक थ्री, 5 मार्क्स के आएंगे। एंड लास्ट में आपके पास आएंगे चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20, 20 मार्क्स का आ गया आपके पास ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज की, इसके बाद हम बात करते हैं प्लेस की, इसके बाद हम बात करेंगे पोइम्स की, इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरीज की, मोरल स्टोरीज की, एक एक मोरल स्टोरी भी बताऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे लेटर एप्लीकेशन की, इसके बाद हम बात करेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की, इसके बाद हम बात करेंगे पंचुएशन की, इसके बाद हम बात करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स को, लास्ट में बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लड़कियां और लड़कों, मेरी बात गौर से सुनो, त्वज्जा से सुनो, इंटेंशन देख के सुनो। सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आपने ये मेरी वीडियो देखनी है, देन यू विल गेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश, अदरवाइज यू कैन नेवर डू एनीथिंग। ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, ऐसे भी बताऊंगा इंग्लिश मीडियम के सेंस में। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज आपके पास टेक्स्ट बुक में कितनी है? 1 to 15 आपके पास शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक है, अब इनमें से कितने आने हैं ये देखें, 1 to 9 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 6, सिर्फ 6 सवाल हल करने ने बस। ठीक है, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने। अब सबसे जो पहली पॉइंट है आपके पास वो कौन सी है? वो एक लालची लड़की की है। कौन सी लालची लड़की है? जो अपने शोहर की बात नहीं मानती, अपनी मनमानी में रहती है,
मेरी बात किस तरह मानी जाए और हम क्या करें, एक नया घर लेंगे, एक नया आइसलैंड पे कार लेंगे, एक नया ब्रिज लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो ये लालची लड़की का बहुत बुरा हाल होता है। आप सुनते जाइए उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। पोइम का नेम है जी आपके पास जनाब, लेडीज एंड बॉयज, फीमेल्स एंड मेल्स एंड शी मेल्स भी इमरान खान की हुकूमत में उनको भी एजुकेशन दी जा रही है, तो वो भी बात मेरी गौर से सुने, इंशाल्लाह ताला उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। शी मेल्स को कुछ भी कहना बहुत बुरी बात है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं बटन की। बटन लेसन है, ठीक है, जो इसका इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड इट नॉट। अच्छा, एक और चीज़ आपने करना क्या है, मैं ये पढ़ने के साथ, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के साथ साथ इसको उर्दू में भी रीड करता हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, उसकी नरेशन को चेंज करता है ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो और वो क्वेश्चन का आंसर ना कर सके। उन्होंने रट्टे लगाए होते हैं, ठीक है, वो नरेशन को समझते नहीं है, जिसकी वजह से वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्वेश्चन। ठीक है, मैं नरेशन पढ़ूंगा, अच्छी तरह इसकी उर्दू पढ़ूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इसकी प्रेपरेशन कहाँ से करनी है। आहिस्ता आहिस्ता अभी तो पार्टी शुरू हुई है। व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टूवर्ट ऑफेंसिव। देखें क्वेश्चन क्या है आपसे, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर, नॉर्मा क्यों समझी, द टोन रवैया एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टूवर्ट ऑफेंसिव। नॉर्मा को ऐसा क्यों लगा कि मिस्टर स्टूवर्ट का जो रवैया है वो उसके साथ अच्छा नहीं है, जारहाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ। जो मुसन्निफ है यानी कि नॉर्मा का जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी से नाराज क्यों हो जाता है। व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई परसुएडिंग हिज हस्बैंड टू एग्री विद हर। व्हाई डिड नॉर्मा Try to persuading her husband to agree with her. Norma क्यों कोशिश करती है कि इसका खावंद इससे राज़ी हो जाए, होगा तो वो राज़ी लेकिन अंदर से राज़ी नहीं है क्योंकि ये एक इमोरल एक्ट था। ठीक हो गया। Why did Mr. Stewart persuading Norma? जो Mr. Stewart वो छोटा सा आदमी बोना, वो Norma को क्यों आमादा करने पर तुला हुआ था। What was the message Norma received on pushing the button? नॉर्मा को बटन प्रेस करने से क्या मिला। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, कितनी अहमियत थी ऑफ ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या अहमियत थी, डबल इंडेमनिटी थी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास लेसन नंबर वन के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, कई तो लड़कियां घर बैठ के सोचती हैं अब हम इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें, कई तो लड़के घर बैठ के ही ढूंढते रहते हैं कोई गैस। इंग्लिश इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें समझ आ जाए तो वो जब हम दोबारा करेंगे वो फिर खुद ही आसान हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाले लेसन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वाले लेसन में जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास व्हाई डिड ऑथर author disagree with his wife। मुसन्निफ अपनी बीवी से नाराज क्यों होता है। ये जितने भी मैंने पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके आप लोगों ने आंसर भी मैं बताऊंगा कि वो कौन सी अच्छी है। सेकंड वाले लेसन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला जो लेसन है वो सुन ले क्या है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। सेकेंड वाला लेसन है क्लियरिंग इन द स्काई, बहुत बुलंदी पर जमीन की सफाई। सबसे पहला वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास व्हाई डिड नॉट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। बुरे आदमी ने उस डॉक्टर की बात क्यों ना मानी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट हैड द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन, डॉक्टर ने बुरे आदमी को क्या कहा था। Where did the old man take his son? बुरा आदमी अपने बच्चे को कहां ले गया। What were the names of the vegetables the old man grew on his farm? उसने अपने फार्म में कौन सी वेजिटेबल्स उगाई थी। Why did the old man take the steep path?
उसने डलवान वाले रास्ते पर क्यों काम किया? व्हाट डिड द सन एट द एज ऑफ सिक्स क्राइड, वो छह साल की उम्र में क्यों रोने लगा? वेयर वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70, वो 70 साल की उम्र में क्या महसूस ऐसा साथ महसूस करता था? Why had the old man planted his secret garden? उसने राज वाले बाग में क्या चीज उगाई हुई थी? अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। लेसन नंबर 3 में क्या है? डार्क दे वर एंड गोल्डन आई, वो स्याह थे और सब्जी रंग वाली आंखें थी। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है लेसन नंबर 3 का, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, हैरी वापस जमीन पर क्यों जाना चाहता था? इसके बाद लेसन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट क्ले माई डिड दे फेस, उन्होंने कैसी आबोहवा का सामना किया? इसके बाद है हमारे पास, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वॉर ऑन द अर्थ, बिटरिंग फैमिली की क्या हालत थी जब उन्होंने ये सुना कि जमीन पर जंग लग गई है? इसके बाद व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउसेस, इनके घरों की क्या हालत हो चुकी थी? व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, हैरी ने लोगों को क्या नसीहत दी, क्या मशवरे दिए? व्हाट सॉरी हाउ डेंजरस कैन अ मरीज वायरस कैन बी, एक मरीज का जो वायरस है वो कितना खतरनाक हो सकता है? यहां से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, व्हाट वाज द एडवाइस गेव जी ए वी गेव टू द पीपल पी ई ओ पी एल ई पीपल। यहां पे हमारे पास तीन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, कितने लेसन में से, पहले तीन लेसन में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला लाजमी आएंगे। और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेसन नंबर 4 की। लेसन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? थैंक यू मैम क्यों, वो भी उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन, क्या वक्त था जब औरत का पर्स छीना गया उससे? व्हाट हैपन टू द बॉय, लड़के के साथ क्या हुआ? व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स, जब उसने पर्स को खींचा तो उसके लड़के के साथ क्या हुआ? थर्ड वन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन, लड़की का क्या रिएक्शन था? लड़की का रिएक्शन था ठुस ठुस ठुस। बाद हम बात करते हैं, व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे सॉ अ एक्सीडेंट, लोगों क्या तमाशाई बने रहे हादसे को देखकर, लोग सिर्फ क्या कर रहे थे? तमाशाई बने हुए थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 वाला क्या है, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, लड़का दिखने में कैसा था? स्लिम एंड स्मार्ट, पूरा वो स्लिम था एंड छोटा सा स्मार्ट था। इसके बाद व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द गेव हिम अ फ्यू जॉक्स, जब उसने घुसने मारे तो उस लड़के की क्या हालत थी? तो उस लड़के की बहुत बुरी हालत थी। व्हाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस, क्या उस लड़के को क्यों मुंह धोने को कहा गया? जरी सी बात है, गंदा ही होगा। इसके बाद व्हाई डिड नॉट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमेन, लड़का औरत के घर से क्यों ना भाग सका? इसके बाद व्हाई डिड नॉट द वुमेन वॉच द बॉय व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिश, जब वो लड़की कुकिंग कर रही थी तो उसने अपनी आईज लड़के पे क्यों ना रखी? व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन्स जॉब, लड़की का क्या शोभा था? लड़की डेंडिंग बेंडिंग करती थी, सुरही पाउडर लगाती थी, यानी कि एक पार्लर पे काम करती थी, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरी नजर में, मे बी लेसन 3 और 4 में से एक स्किप हो जाए और 4 वाला आ जाए, हो सकता है ये भी आ सकता है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन जॉब, जी
अपॉन सो ऑन। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर सिक्स की। लेसन नंबर सिक्स में अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकेस्ट। लोकेस्ट क्या होती हैं? टिड्डियों का एक मामूली हमला। ठीक है, व्हाट आर लोकेट्स? लोकेट्स क्या होते हैं? टिड्डियाँ होती हैं जो रात को चू 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 करती हैं। ठीक है, नहीं चू चू नहीं करती, पता नहीं गिडी 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 करती हैं शायद। अच्छा, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर? किसानों ने आग पर गीले पत्ते क्यों डाल दिए? थर्ड वन है, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ एवरी फार्मर? हर किसान की क्या ख्वाहिश थी? डिड मार्गरेट नो व्हाट टू डू द टू डू कीप द लोकेस्ट अवे इन अवे? डिड मार्गरेट नो, क्या मार्गरेट जानता था व्हाट टू डू, क्या किया जाए टू कीप द लोकेस्ट अवे? के वो मार्गरेट जानता था कि इस लोकेट्स यानी कि टिड्डियों को कैसे दूर किया जा सकता है? हाउ डिड ओल्ड स्टेफन ट्रीट द स्ट्रे लोकेट्स विच इज फाउंड इन हिज पॉकेट्स? जब उसको अपनी ही जेब से लोकेट्स मिले यानी कि टिड्डी मिली, उसने उसको क्या किया था? उसने उसको फेंक दिया था। आर होपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकेट्स? क्या टिड्डा टिड्डी से मुख्तलिफ होता है? यस yes. एक होता है होपर्स, होपर्स कहते हैं टिड्डियों के बच्चे को। एक होता है टिड्डा, एक होते हैं टिड्डी। ठीक है, जो आपके पास टिड्डियां हैं वो देती हैं बच्चे, उसमें से बनते हैं होपर्स। होपर्स हमारे पास क्या हैं? टिड्डियां भी हैं और टिड्डे भी हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होपर्स एंड लोकेट्स, यानी कि टिड्डों और टिड्डियों में क्या फ़र्क है। बेसिकली होपर्स होते हैं हमारे पास टिड्डियों के बच्चे। जैसे ही ये होपर्स यानी कि टिड्डियाँ बच्चे हैं, अभी होपर्स बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगी? बड़ी टिड्डियाँ। और जो टिड्डी है वो टिड्डियाँ बनेंगी, और जो टिड्डा है वो नहीं, पहले छोटी टिड्डी फिर टिड्डियाँ फिर टिड्डा फिर टिड्डियाँ। बात समझ में आ गई? पहले छोटी टिड्डी फिर टिड्डा। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं लेसन नंबर 1 टू 15 के शॉर्ट क्वेश्चन। आपने अगर अच्छे तरीके से करने हैं तो सिर्फ 1 टू 10 लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आराम से अगर आप 1 टू 10 लेसन के शॉर्ट स्टोरीज कर लें तो वो आपके लिए बहुत मुफीद हो सकते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी, अगर आपको फर्स्ट ईयर क्लास सब सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात कंपलसरी, और मैथ्स के अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के आपके पास टोटल 1 टू 11 चैप्टर हैं। हमारे पास गेस्ट पेपर है एमसीक्यूज़ के, शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चंस के एंड न्यूमेरिकल्स के। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, देख लें कि 1 टू 20 एमसीक्यूज़ हैं जो पास्ट पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास बैक शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद इनर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। इसके बाद आप देख लें चैप्टर नंबर 1 के हमारे पास न्यूमेरिकल भी हैं, इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ हैं, और चैप्टर नंबर 2 के बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, इनर शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 का देख लें, चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस बैक वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। इसी तरह आपके टोटल जो चैप्टर हैं 1 टू 11 हमारे पास कंप्लीट बुक के गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं फिजिक्स की। लास्ट वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो लास्ट वाले चैप्टर में है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के 1 टू 20 टोटल एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर नंबर 11 के ही हमारे पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, इनर शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड द लास्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2020। केमिस्ट्री में आपके पास टोटल कितने चैप्टर हैं? 1 टू 11 आपके पास टोटल चैप्टर हैं। ठीक है, आप देख लें चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 1 के ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 को देख लें,
चैप्टर नंबर, ये देख ले मेरे पास भी वही नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 को देख लें, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, चैप्टर नंबर 4 देख लें, और लास्ट में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देख लें, और उसी के हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसी के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको ये सब सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आप कैसे अपने घर मंगवा सकते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी गेस्ट पेपर 2020, जिसमें हमारे पास 1-14 चैप्टर है, एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड उसकी डायग्राम्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, देख लें पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ देख लें, फिर उसी के शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, चैप्टर नंबर 2 देख लें, चैप्टर नंबर 2 के बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 देख लें, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, और लास्ट में हम चैप्टर नंबर 14 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 के हमारे पास 1-20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसके बाद बैक शॉर्ट इनर शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 के। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस के हमारे पास 1-10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लस उसके न्यूमेरिकल्स हैं। ये आप देख लें, चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। चैप्टर 2 देख लें, चैप्टर 3 देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़े सब्जेक्ट जिन चैप्टर की, कौन से हैं हमारे पास, इंग्लिश का। इंग्लिश में बहुत से बच्चों की, स्टूडेंट्स की सप्ली आती है, लेकिन अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 90+ मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले देखें इंग्लिश में, आपसे इंग्लिश में आपके पास क्या है ऑब्जेक्टिव, के एमसीक्यूज़ देख लें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, फिर इसके बाद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, किस किस के, शॉर्ट क्वेश्चंस के, प्लेस के, पॉइंट्स के, ठीक है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं, ट्रांसलेशन के बाद इंपॉर्टेंट पंचुएशंस हैं, इसके बाद मोरल स्टोरीज हैं, ठीक है। अगर आप इन गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं यू विल गेन 450+ मार्क्स इन फर्स्ट ईयर। लास्ट में हम बात करते हैं उर्दू के भी गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, इस्लामियात के कंपलसरी के भी गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में फर्स्ट ईयर मैथ गेस्ट पेपर 2020, इसमें हमारे पास 1-14 चैप्टर हैं आपके पास टोटल। हमारे पास ये देखें सबसे पहले वाले एमसीक्यूज़ की, सबसे पहले वाले चैप्टर के अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें 1-15 आपके पास टोटल चैप्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लें आपके पास इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 3 के बाद हमारे पास उसी के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अगर आप इन गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं यू विल गेन 90+ मार्क्स इन 2020। अगर आप इन गेस्ट पेपर को अपने घर अभी मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर ऑर्डर दीजिए, विद इन 2 डेज TCS वाले आपके घर ये नोट्स पकड़ा के जाएंगे। इन नोट्स की जो टोटल प्राइस है वो है हमारे पास 950 रुपीज, जिसमें TCS के चार्जेस भी शामिल हैं, ठीक है। 950 रुपीज ओनली इज इन नोट्स की प्राइस है, विद इन 2 डेज ये नोट्स आपके घर डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है फर्स्ट ईयर गेस्ट पेपर 2020 का। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दिल लगाकर पढ़े, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अब हम बात करने लगे हैं किसकी, अब हम बात करने लगे हैं प्लेस की, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे पास पोइम्स, अब हम बात करते हैं प्ले। प्ले आपके पास टोटल कितनी है, 1-3 तीन प्ले हैं, ठीक है। पहला कर लें, दूसरा कर लें, करने कितने हैं, 5 करने हैं, पहला कर लें, दूसरा कर लें, ठीक है। अगर तीसरे को स्किप भी करना है तो कोई बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई रोने वाली बात नहीं है, कोई बेफिक्री वाली बात नहीं है, बल्कि फिक्रमंद होने वाली बात है अकॉर्डिंग टू पहला प्ले की और दूसरे प्ले की बारे में। पहला प्ले आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, हीट लाइटनिंग, बिजली की तपश। वाइश कुड नोट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, लड़की कातिल के बारे में क्यों ना बयान कर सकी। व्हाट अबाउट द सर्कमस्टेंस दैट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि लड़की को अपनी कार को छोड़ना ही पड़ा।
Why did she ask for the help for first man? इसने पहले आदमी से मदद के लिए क्यों कहा? What was the condition of the weather? मौसम की क्या हालत थी? How did the second man excuse first man of lying? दूसरे आदमी ने पहले आदमी पे क्यों इल्जाम लगाया? Does the girl become suspicious? क्या लड़की को शक हुआ? Or first man as play progress? जब ये कहानी हो रही थी, लड़की को पहले आदमी पे शक हुआ था? What is the impression of the girl about the second man? What is the impression? क्या मुतासिर की चीज थी of the girl about the second man? दूसरे आदमी के लिए लड़की ने, सॉरी, लड़की को दूसरे आदमी के लिए ऐसी कौन सी चीज मुतासिर करने लगी? Why did not she accompany second man? उसने दूसरे आदमी का जो था वो, उसको क्यों ना उसकी कंपनी को ज्वाइन किया? क्वेश्चन करते हैं, आंसर एनी फोर क्वेश्चंस, ठीक है? अब हम प्लेस की बात करते हैं. सबसे पहले पोइम्स, पोइम्स हमारे पास हैं जनाब 20, ठीक हो गया? 20 पोइम्स हैं हमारे पास. इन 20 पोइम्स में से हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे. कितने अटैम्प्ट करने हैं? हमने सिर्फ 4 अटैम्प्ट करने हैं. आपने अच्छे तरीके से जो तैयारी करनी है, आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है अपनी तकरीबन 12 पोइम्स की के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? मैं बारी बारी बोल देता हूँ. सबसे पहला वाला जो है आपके पास, द रेन, बारिश, बारिश के बाद समा कैसा लगता है? बारिश के बाद तो समा इस तरह का लगता है कि सारी दुनिया ही जैसे नहा दी गई हो. ये कुदरत सिर्फ अल्लाह पाक के है, पास है, और अल्लाह पाक ही चाहते हैं कि बारिश किस जगह पे हो, किस जगह पे ना होगी. अच्छा, रेन, इस शायर में शायर कहते हैं, हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, के बारिश के बाद क्या होना चाहिए, कैसे होती, कैसे लुत्फानंदोज होता है. What will happen after the rainstorm? जब बारिश रुक जाती है तो क्या होता है? What does the sound of the rain falling on leaves give impression to the poets? Tim 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 की साउंड शायर को कैसी लगती है, ठीक हो गया? इसके बाद है नाइट मेल, यहां से भी एक अदा आ सकता है. What will happen after the rain? What will happened after the rain? बारिश के बाद क्या होगा? नाइट मेल, रात वाली गाड़ी, चक 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 चक. How does the night mail bring? रात की गाड़ी क्या लाती है? हम सब के लिए संदेशा लाती है. What does the night mail bring? How does the sheep dog behave on her arrival? कुत्ते क्या करते हैं जब गाड़ी आती है? आप समझें क्या कहते होंगे. What does the poet mean by the bank force? कुछ चीज. Does the night mail disturb the life of farm? Yes, does the night mail disturb the life of the farmer? ये आप देख लें यार. पॉइंट नंबर 10 के देख लें, गॉड्स एट्रीब्यूट, अल्लाह पाक की सिफात, अल्लाह पाक की तारीफ देख लें. द डिलाइट सॉन्ग, खुशी का गीत देख लें. पॉइंट नंबर 8 देख लें. पॉइंट नंबर 19 देख लें. पॉइंट नंबर टूटे पुटे तस्वुरात, यहाँ पे हमारे पास पोइम्स भी कंप्लीट हो गई. अब हम बात करते हैं मोरल स्टोरीज की. मोरल स्टोरीज, जी मोरल स्टोरीज, मोरल स्टोरीज अब आपने कैसे करनी है, देखें मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ. अगर आपके पास, अब देखें मोरल स्टोरी आपके पास आती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है? अब इसके जो मजीद डिवीजंस बन सकती हैं, इसकी मजीद तकसीम हम इसको कर सकते हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भी इसको कह सकते हैं. अब वुड कटर एंड एन एक्स, इस नाम से भी, इस मॉरल से भी आ सकती है. ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवार्डेड, ऑनेस्टी इज ऑन रिवार्ड, ठीक है? सबसे पहले देखें, सबसे पहले वाली जो आपके पास स्टोरी है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? ईमानदारी एक अच्छी चीज़ है या बेहतरीन हिकमत अमली है. लास्ट में मॉरल स्टोरी है हमारे पास, यूनियन स्ट्रेंथ, इतफाक में ताकत, सॉरी इतफाक की बरकत, ठीक है? यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5 है. अब मैं कोई एक बता देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैंने आपको पहले बताया था, डू गुड हैव गुड, अदले का बदला जो बोवोगे वही काटोगे, एज यू शो शैल यू रीप.
ठीक हो गया, यहां पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लेटर की एंड एप्लीकेशंस की। लेटर्स की हम इंपॉर्टेंट तरीके, लेटर्स हमारे पास क्या हैं जी, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग योर प्रोग्रेस इन दिसंबर स्टडीज, दिसंबर स्टडीज की इनको प्रोग्रेस बतानी है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग टू इंक्रीज योर मंथली इन अलाउंसेस। इसके बाद है राइट एडवाइसेस टू गिव अप स्मोकिंग एंड पे हिल टू स्टडीज, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम इंप्रेशन ऑफ द कॉलेज टीचर। ठीक हो गया, यहाँ पे हो गई हमारे पास स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है, लेटर भी कंप्लीट हो गए, एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये आ सकती है रेफरेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, देख लें रेफरेंट टू द कॉन्टेक्स्ट हमारे पास पोइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 टोटल पोइम्स हैं, आपने अच्छे तरीके से करनी है। पोइम नंबर 1 देख लें, पोइम नंबर 2 देख लें, पोइम नंबर 3 देख लें, पोइम नंबर 4 देख लें, पोइम नंबर 5 देख लें, पोइम नंबर 6 देख लें, पोइम नंबर 7 देख लें, पोइम नंबर 8 देख लें, पोइम नंबर 9 देख लें, पोइम नंबर 10 देख लें। अब हम बात करते हैं पोइम पंचुएशंस की, पंचुएशंस, हाँ जी आगे पंचुएशंस कितने गई यहाँ पर, ओ किधर हो भाई, आ गई जी, पॉइंट्स भी देख लें जी, पंचुएशन 1, पंचुएशन 2, पंचुएशन 3, पंचुएशन 4, पंचुएशन 5, पंचुएशन 6, पंचुएशन 7, पंचुएशन 8, पंचुएशन 9, पंचुएशन 10, पंचुएशन 11 क्वेश्चन की बात, ये सॉरी पेरो वर्ड्स की बात करते हैं, पेरो वर्ड्स देख लें, ये पेरो वर्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट तरीन है, पास पेपर से कंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन हमारे पास 15 नंबर की आएगी, ट्रांसलेशन देख लें, बटन बटन की देख लें, क्लियरिंग द स्काई इधर देखें, इधर क्लियरिंग द स्काई देखें, डार्क दे बट एंड गोल्डन आई देखें, थैंक यू मैम देखें, द पीस ऑफ स्ट्रिंग की देखें एंड द रिवर्ड की देखें, द यूज ऑफ फोर्स, द सुल्तान ऑफ सऊदी, अ फुलिश क्वैक, अ माइल्ड अटैक ऑफ लुकेट्स, आई हैव अ ड्रीम, द गिफ्ट ऑफ द मगी, God be praised, overcoat and angels and the author of others। यहाँ पे हमारे पास जो most important है वो मे भी ज़्यादातर शुरू वाले लेसन से आएंगी, 1, 2, 5 लेसन से ही आप कर लें। एप्लीकेशन रेफरेंट टू द कॉन्टेक्स्ट अगर आप करना चाहते हैं 1, 2, 10 लेसन में से कर लें। ठीक है, पंचुएशन देखना चाहते हैं तो 1, 2, 5 लेसन को देख लें। ठीक हो गया, और पेरो वर्ड्स में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है सारी की सारी फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न एंड गैस पेपर। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठ